नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अब पटना से देवघर और करीब आ गया है। जी हाँ, करीब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब बहुत कम समय में आप पहुंच जाएंगे देवघर और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि आज से पटना से सीधी उड़ान सेवा शुरू हो रही है, पटना से देवघर के लिए, बाबा धाम के लिए। तो आपको बताएं कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अगर दर्शन करना है, आपको जल्दबाजी में जाना है, तो फ्लाइट यहां से अब डायरेक्ट मिलेगी पटना से, और सीधी फ्लाइट होगी और सप्ताह में 4 दिन ये फ्लाइट चलेगी, और महज आप 1 घंटे में बाबा बैद्यनाथ के दर पर पहुंच जाएंगे पटना से दर्शन के लिए। और किराया भी आपको बता दें 3,000 रुपये किराया है। तो आपको पूरी बात बताते हैं कि बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करना हो तो कैसे फ्लाइट पकड़ेंगे, कब कब फ्लाइट है, कितने बजे है और कितने पैसे खर्च होंगे, सब बात बताते हैं आपको। तो बताएं कि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए अब पटना एयरपोर्ट से देवघर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। इंडिगो की ATR 72 यानी 72 सीटों वाला यह विमान 7944/2303 सप्ताह में 4 दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को ऑपरेट होगा। यह विमान देवघर से 11:15 पर टेक ऑफ करने के बाद 12:15 में पटना में लैंड करेगा। उसके अलावा पटना से फिर 12:35 में उड़ान भरकर 1:35 में देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। पटना देवघर के बीच हवाई दूरी 200 किलोमीटर है और किराया लगभग 3,000 रुपये इसमें खर्च होंगे। आपको बताएं, पिछले साल 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तब से बाबा नगरी के लिए सीधी फ्लाइट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि पटना से बाबा धाम के लिए कब सीधी फ्लाइट उड़ेगी। तो आज वो दिन आ गया है जब पहली फ्लाइट बाबा नगरी से पटना पहुंचेगी और उसके थोड़ी ही देर बाद पटना से बाबा नगरी के लिए पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो आपको बताएं कि पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 39 जोड़ी विमानों का समर शेड्यूल भी इसके साथ जारी किया है और यह 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। नए शेड्यूल में चंडीगढ़ पटना फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। खास बात यह है कि 26 मार्च से पटना से रांची के लिए 1 की बजाय 2 विमान हो गए हैं। एयर इंडिया ने सुबह में पहली बार रविवार को छोड़कर दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू की है और 25 मार्च तक ये शेड्यूल में 41 जोड़ी विमान थे। स्पाइसजेट ने 2 विमानों को ऑपरेशन को रोक दिया है। तो ये तमाम जो है कवायदे की गई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। दरअसल ये समर शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जो खुशखबरी है पटनावासियों के लिए कि अब पटनावासी डायरेक्ट महज 1 घंटे के अंदर बाबा नगरी पहुंच जाएंगे बाबा के दर्शन को। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।